के न्यूज 360 मैं हूँ स्वाति रायना। एफटीआईएल के प्रमोटर जिग्नेश शाह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई जिग्नेश शाह को पूछताछ के लिए सीबीआई के मुख्य मुंबई मुख्यालय ले गई, जहां पर पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आज सीबीआई की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने पहले जिग्नेश शाह के ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीमों ने एमसीएक्स, एमसीएक्स एसएक्स और एफटीआईएल के दफ्तरों में जाकर भी कागजात खंगाले। सीबीआई ने एमसीएक्स के पूर्व एमडी और सीईओ जोसेफ मेसी के घर पर भी छापा मारा। सीबीआई की ये कार्रवाई एमसीएक्स एसएक्स को स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस देने के मामले में की जा रही है। सीबीआई को शक है कि एमसीएक्स एसएक्स को स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस देने में गड़बड़ी की गई थी। एमसीएक्स एसएक्स को सेबी ने जुलाई 2012 में स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस दिया था और एक्सचेंज 2013 में शुरू हुआ था, जबकि सीबीआई ने 2014 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मेरे सहयोगी सिल्की से इस पूरे मामले पर और अपडेट लेते हैं। सिल्की, अब दो साल के बाद जब ये मामला दर्ज किया गया था सीबीआई की तरफ से, गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन सीबीआई का जो केस है अब कितना स्ट्रांग है? अब इस पूरे मामले में सीबीआई क्या कर सकती है कार्रवाई और सख्त करने के लिए? देखिए स्वाति, इस केस के अब तक इतने प्रोग्रेस हुए हैं, जितने भी वो उस पूरे अरेस्ट तक, जिग्नेश शाह के अरेस्ट तक दो साल लगे हैं और इसके बाद भी सीबीआई के लिए जो चैलेंजेस हैं वो आगे जाते हुए कम नहीं होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किस बेसिस पे जो एमसीएक्स एसएक्स को एक्सचेंज का लाइसेंस दिया गया था, उस समय के क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल की जाएगी और अच्छे से उसे एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद ही ये कहा जा सकेगा कि ये जो केस है वो किस तरफ मुड़ता है। फिलहाल जो जिग्नेश शाह को सीबीआई अपने मतलब अरेस्ट में ले चुकी है और कल उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, जहां पे सीबीआई उन तथ्यों को भी सामने रखेगी जिस बेसिस पे उन्हें अरेस्ट किया गया है। माना जा रहा है कि जो एमसीएक्स एसएक्स के लाइसेंसेज हैं वो लाइसेंसेज वायोलेशंस, जो नॉर्म्स हैं उसके वायोलेशंस होने के बावजूद भी दिए गए थे, और इसी सिलसिले में आज सुबह से करीब 8 बजे से लेकर पूरे दिन भर में 9 जगह छापेमारी की जा चुकी है सीबीआई के जरिए, और उसके बाद उन्हें फाइनली जिग्नेश शाह को अराउंड 2:30 पूछताछ के बाद अरेस्ट भी किया जा चुका है। जी, कल कोर्ट में पेशी होनी है जिग्नेश शाह की। और हम आपको बताएं, सबसे पहले जी बिजनेस पर हमने आपको खबर दिखाई थी, जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए सिल्की आपका। कुछ देर पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट माजिद मेमन से भी बातचीत की थी। उन्होंने ये कहा कि जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी पूछताछ के लिए हुई है, इसका मतलब ये नहीं माना जाए कि इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं, सबूत मिलने के बाद ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। नहीं देखिए, अगर आप पर एक साथ कई आरोप लगे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई डिसएडवांटेज होगा। आरोप आरोप होते हैं और आरोप के साबित हो जाने के बाद दोषी ठहराया जाना ये एक दूसरी बात होती है। अगर आपको इससे पहले किसी गुनाह में दोषी ठहरा दिया गया है अदालत के जरिए और सजा याफ्ता हैं आप, तब वो आपके गुनाह की, बाद वाले गुनाह की गंभीरता बढ़ती है। लेकिन अगर आप पर सिर्फ आरोप ही लगे हैं तो वो आरोप की तफ्तीश चलती है और उसके बाद ट्रायल होगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अगर आप होंडा की कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर, होंडा ने त्योहारों से पहले अपने कारों के दाम ही बढ़ा दिए हैं। होंडा ने कारों के दाम 6,300 रुपए से लेकर 14,250 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। ये बढ़ोतरी 15 सितंबर से लागू हो चुकी है। इससे पहले अन्य ऑटो कंपनियां भी गाड़ियों के दाम बढ़ा चुकी हैं। इसके पीछे कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, ऊंचे एक्सचेंज रेट को माना जा रहा है। तो होंडा की कई गाड़ियों के दाम बढ़ाए गए हैं। आइए आपको बताएं कि होंडा की गाड़ी खरीदना अभी भी चाहते हैं तो कौन सी गाड़ी कितनी महंगी हो गई है और पहले के मुकाबले कितना ज्यादा आपको देना पड़ सकता है। होंडा अमेज, पहले 5,64,000 रुपए इसकी कीमत थी, अब 5,70,550 रुपए इसकी कीमत हो गई है। अमेज के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल वेरियंट की हमने बात की थी, डीजल वेरियंट के दाम बढ़ गए हैं, जो कि बढ़कर 6,89,700 रुपए हो गए हैं, 6,83,000 रुपए से बढ़ाकर। होंडा ब्रियो की बात करें तो पहले 4,54,000 रुपए की कीमत थी, अब बढ़कर 4,61,600 रुपए
कीमत कर दी गई है। होंडा बीआरवी पेट्रोल वेरिएंट कीमत बढ़कर 9,15,050 रुपए अब हो गई है। वहीं पेट्रोल वेरिएंट होंडा सिटी 8,35,750 रुपए अब आपको होंडा सिटी के पेट्रोल वेरिएंट के लिए देने पड़ेंगे। डीजल वेरिएंट के लिए जो दाम बढ़कर हो गए हैं 9,62,150 रुपए, जो कि 9.5 लाख रुपए की पहले एक गाड़ी थी। होंडा जैज पेट्रोल वेरिएंट की कीमतें कितनी बढ़ी है देखिए, 5,76,950 रुपए, 5,67,000 रुपए से बढ़कर यह कीमत इतनी पहुंच गई है। वहीं अगर होंडा जैज डीजल वेरिएंट का मन बना रहे हैं खरीदने का तो 7,07,600 रुपए अब आपको देने पड़ेंगे, जो कि पहले लगभग 7 लाख रुपए की एक गाड़ी हुआ करती थी। होंडा सीआरवी एक और पॉपुलर गाड़ी होंडा सीरीज की अब 22,70,100 रुपए हो गई है, जो कि पहले 22,56,000 रुपए हुआ करती थी। ये काफी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो अब मेरे सहयोगी समीर से बात करते हैं। समीर, इससे पहले भी हमने देखा कि कई जो कंपनीज थी उन्होंने गाड़ियों के दाम बढ़ाए। होंडा ने हालांकि बढ़ाए जरूर, लेकिन देर से बढ़ाए, लेकिन जब बढ़ाए हैं बिल्कुल त्योहारों से पहले, जब आमतौर पर लोग गाड़ियां खरीदते हैं। जी बिल्कुल, होंडा गाड़ी के शौकीनों के लिए ज़रूर एक झटका हो सकता है, क्योंकि त्योहारों पर अक्सर कार की सेल्स काफ़ी पीक पकड़ती है, उसमें बिक्री में काफ़ी इजाफा होता है। लेकिन कच्चे माल की कीमतों में जो लगातार हम पीछे देख रहे हैं, पिछले 5 से 6 महीने में जो इजाफा हुआ है, उसका दबाव सभी ऑटो कंपनीज महसूस कर रही थी। और एक के बाद एक कई ऑटो कंपनीज ने, जैसे कि मारुति या फिर और कंपनीज ने, हुंडई ने अपनी कार के दामों में इजाफा किया था, लेकिन होंडा इसको एब्जॉर्ब करती रही। लेकिन अब जाके उनको ऐसा लगा कि ये और ज़्यादा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस दबाव को सहना मुश्किल होगा, और उन्होंने अपनी कार के दामों में 6,300 रुपये से लेकर तकरीबन 14,500 रुपये का इजाफा किया है काम के जो कारों का जो बेस प्राइस है। दूसरा तर्क ये भी है जो हमने समझा कि होंडा को ऐसा लगता है चूँकि इस वक्त फेस्टिव सीजन है तो बिक्री ज़रूर होगी, और ये जो मार्जिनल इंक्रीज है, जो बढ़ोतरी है, इसको लेकर जो ग्राहक है या जो होंडा का लॉयल कस्टमर है वो उतना नाखुश नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए आपका। वैसे आपको बताएं, गाड़ियों को लेकर एक और खबर ये भी आ रही है। स्कोडा भारत में स्कोडा सुपर्ब का रिकॉल कर रही है। कंपनी डीजल गेट मामले में प्रभावित गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से रिकॉल करेगी। कंपनी ने 9 महीने पहले भारत में रिकॉल की बात कही थी। ये भी बताएं कि फोक्स वैगन के डीजल इंजन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कंपनी ने पूरी दुनिया में गाड़ियां रिकॉल करने का फैसला किया था, और इसी के तहत अब स्कोडा ने भारत में सुपर्ब का रिकॉल किया है। कंपनी उन गाड़ियों का रिकॉल कर रही है जिनमें EA189 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी बिक्री 2015 में ही बंद कर दी गई थी। अब रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा बजट को फरवरी के बजाय जनवरी के आखिरी हफ्ते में लाने पर भी फैसला हो सकता है। आम बजट को महीने भर पहले पेश करने का मकसद है नए वित्त वर्ष से पहले बजट संबंधी सभी कार्य पूरे कर लिए जाएं। नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। दरअसल सरकार बजट प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करना चाहती है ताकि नए वित्त वर्ष के साथ ही उन्हें लागू किया जा सके। सरकार की दलील यह है कि नया वित्त वर्ष लागू होने के बाद भी कई सारे मामलों की मंजूरी अटकी रहती है, जिसके चलते समस्याएं आती रही हैं, और इसके साथ ही बजट संबंधी जो बैठकें नवंबर और दिसंबर में आयोजित की जाती थी उन्हें अब सितंबर से ही करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही ये बताएं, कुछ दिन पहले ही जॉइंट सेक्रेटरी की अगुवाई वाले पैनल ने इसके लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट भी जारी कर दिया है। मेरे सहयोगी आलोक से बात करते हैं। आलोक, जो इतने काफी पुरानी परंपरा, 92 साल लगभग पुरानी परंपरा, दोनों बजट जो साथ में आते थे, अब जो अलग अलग आते थे उन्हें साथ में करने की तैयारी है। जाहिर तौर पर सरकार को काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा कि इसको लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए। अब कल जो मीटिंग होने वाली उसमें कैसे इस पर चर्चा की जाएगी? देखिए, 3 प्रपोजल हैं अलग अलग। अगर देखें तो बजट को रेल बजट के साथ मर्ज करने के लिए, साथ ही साथ जो प्लान्ड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसमें जो एक डिस्टिंक्शन है उसको ख़त्म करने की बात है, और साथ ही साथ जो बजट को 1 महीने पहले करना है। इन तीनों प्रपोजल पर अच्छे से कई बार मीटिंग हो चुकी है, कई बार विचार विमर्श हो चुका है, और जो रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज करने की जो प्रक्रिया है उस पर जो रिकमेंडेशन जीएस बजट की एक टीम ने दी थी, उसके तहत जो रेल बजट को बताया गया था कि रेल बजट में जो तमाम जो पेंशन और ये डिविडेंड्स के से जुड़े इशू होंगे उनको रेल को अपने ऑपरेशनल खर्चे से देखना पड़ेगा, बाकी जो इशूज़ हैं जैसे फेयर रिविज़न और ये तमाम चीज़ें उसको रेल चाहे तो अपना खुद कर सकता है। तो ये प्रक्रिया को अपनाकर रेल को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। अब रेल के लिए एक अलग बजट नहीं होगा, अलग डेट नहीं होगा, और ये जो तमाम जो कवायद होती है रेल बजट के लिए वो नहीं होगी।
रेल बजट जो दूसरे मंत्रालय की तरह होगा उसी की तरह उसका भी फंड एलोकेशन किया जाएगा। तो ये एक कल अहम प्रपोजल है। दूसरा जो प्रपोजल है वो है बजट के एडवांसमेंट को लेकर। सरकार यही चाह रही है कि जो नया फाइनेंशियल ईयर उसके पहले तमाम जो एलोकेशन है मिनिस्ट्रीज के पूरे हो जाए, क्योंकि अक्सर मिनिस्ट्रीज की शिकायत होती थी कि उनके पास पूरा समय नहीं होता कि वो अपने प्लान को अपने जो फंड्स हैं उनको सही तरीके से खर्च करें। मजबूरन क्या होता था कि साल के अंत में उनके पास तमाम फंड्स बच जाते थे जिसको वो खर्च नहीं कर पाते, नतीजतन उन्हें वापस लौटाना पड़ता था। और बजट एडवांसमेंट को लेकर ये प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ अगर देखें तो जो ये नॉन प्लान प्लान्ड एक्सपेंडिचर के डिस्टिंक्शन खत्म करने की बात है, वहाँ पर चूंकि जीएसटी आ रहा है 17 से, इसके अलावा जो एक सेवेंथ पे कम जो 12th फाइनेंशियल प्लान जो है वो भी खत्म हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए सरकार ये चाह रही है कि जो डिस्टिंक्शन है उसको भी खत्म कर दिया जाए, यानी कैपिटल रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर के हेड में ही इनको देखा जाए। तो ये तमाम प्रपोजल हैं, तीन कहें तो बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं रिफॉर्म इसको कहेंगे, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अब देखना है कि कल इसको कैबिनेट की मंजूरी मिलती है और किस तरह से मिलती है, क्या डेट्स होते हैं बजट एडवांसमेंट के बाद। वाकई, और कैबिनेट की इस बैठक पर जी बिजनेस की नजर बनी रहेगी और अपडेट हम तमाम दर्शकों को लगातार देते रहेंगे।